अभी हाल ही में हमने शिक्षक दिवस मनाया। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। साल 1962 में पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद मैं आपको शिक्षक दिवस के बारे में क्यों बता रहा हूँ। दरअसल में आज इस वीडियो में हम आपको जिस शख्स की कहानी बताने वाले हैं, उसने समाज में शिक्षक की महत्ता को 2 हाथ आगे ही बढ़ाया है। दरअसल में आज इस वीडियो में हम आपको पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के शिक्षक दीप नारायण नायक की कहानी बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कौन है ये दीप नारायण नायक और हम क्यों उन पर आज बात कर रहे हैं। पहले तो आप पश्चिम बंगाल के इस आदिवासी गांव जोबा अट्टापाड़ा की इन गलियों और चबूतरों पर लगे स्कूल को देखिए। इन गलियों में 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं लगती हैं। खास बात यह है कि इन कक्षाओं में आ से अनार और ABCD से लेकर कंप्यूटर और माइक्रोस्कोप तक की पढ़ाई कराई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा स्कूल है। दरअसल में यह मुमकिन हो सका है 34 साल के स्कूल टीचर दीप नारायण नायक की वजह से। नायक इसी आदिवासी इलाके में सरकारी टीचर हैं। एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण जब स्कूल बंद हुए तो उन्हें अपने छात्रों के पीछे छूट जाने की चिंता सताने लगी। उनके ज्यादातर छात्र आदिवासी इलाकों से हैं, इसलिए उनके पास ना ही मोबाइल की सुविधा थी और ना ही कंप्यूटर जैसी तकनीकी थी, और कोरोना के चलते स्कूल भी बंद थे। इसी वजह से उन्होंने गांव की गलियों की दीवारों को रंग कर बोर्ड बना दिया और वहीं बच्चों की कक्षाएं शुरू कर दी। नायक ने जब इस तरह से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो शुरुआती दौर में उनके पास 30 बच्चे ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, मगर इन 30 बच्चों से शुरू हुआ यह सफर अब 200 बच्चों तक पहुंच चुका है। नायक अकेले ही इन सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नायक कहते हैं कि उनकी कक्षाओं में ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार से वे पहली बार स्कूल आए हैं। उनसे पहले उनके पूरे परिवार में कोई स्कूल नहीं गया, इसलिए अब वे चाहते हैं कि बच्चे हर साल आगे बढ़ें। तो वहीं दीप नारायण ने रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए बताया कि मैं बच्चों को गांव में घूमते हुए मवेशियों को चराने के लिए ले जाते हुए देखता था और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि इन बच्चों की सीख बंद ना हो। इसी वजह से मैंने इन गांव की गलियों में ब्लैक बोर्ड बना दिया और बच्चों की पढ़ाई जारी रखी। दीप नारायण की इस पहल की प्रशंसा करते हुए जमुड़िया विधायक हरे राम सिंह ने कहा कि हम सभी आदिवासी छात्रों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विधायक हरे राम ने यह भी कहा कि जिस तरह से शिक्षक दीप नारायण अंधविश्वास को मिटाने और शिक्षा के प्रचार प्रसार करने के लिए काम कर रहे हैं, वह काबिले तारीफ है। बता दें कि दीप नारायण न सिर्फ बच्चों को ही शिक्षित कर रहे हैं, बल्कि वो आदिवासी इलाके में फैले तमाम तरह के अंधविश्वास को भी दूर करने के लिए गांव के लोगों से बात करते हैं। साथ ही कोविड काल के दौरान उन्होंने लोगों को कोविड टीके लगवाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए lalluram.com। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक कर दें और YouTube पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।